यीशु नाम की महिमा हो। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सीरो मलंकरा कैथलिक कलीसिया के आराधना क्रम में पवित्र बलिदान, पवित्र कुर्बाना, पावन मिसा में शामिल होंगे। सार्वत्रिक कैथलिक कलीसिया में 24 आराधना क्रम हैं, एक विश्वास और अनेक रीति। इस प्रकार 24 अनेक अनेक रीति रिवाज सार्वत्रिक एक पावन कैथलिक कलीसिया में है। उसमें से भारत में सिर्फ 3 रीतियों में आराधना क्रम होता है, एक लैटिन राइट अथवा रोमन कैथलिक, दूसरा सीरो मलबार कैथलिक और तीसरा सीरो मलंकरा कैथलिक। आज ये पवित्र कुर्बाना सीरो मलंकरा कैथलिक कलीसिया और उसके आराधना क्रम के अनुसार होगा। ये अंतियोक के आराधना क्रम के परिवार से इस आराधना क्रम का जन्म हुआ है। सीरो मलंकरा कैथलिक कलीसिया में भारत में गुड़गांव धर्म प्रांत के उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली सेंट थॉमस सीरो मलंकरा कैथलिक कलीसिया के इस पावन आलय में आज हम एक मिलकर इस पवित्र कुर्बाना में शामिल होंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना करें कि मैं सारी कलीसिया के लिए पावन और जीवनप्रद बलिदान अर्पित करने के योग्य बन जाऊं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन, इस अर्पण से प्रसन्न हो और आपके कुर्बानों को ग्रहण कर हमें आपके सहभागी बनाए। वंदना करने आए
प्रभु तुम्हारी जननी मरियम तुम्हारे स्नापक योहन हमारे मध्यस्थ हैं हम पर करुणा करे। पिता और जीवन पवित्र आत्मा के साथ एक समान आराधे और महिमा में पवित्र तृत्व में सभा प्रकार मृत्यु रहे अपनी कृपा से सारे मानव जाति के जीवन और रक्षा के लिए पवित्र महिमा पूर्ण निर्मल कुवारी ईश्वर की जननी मरियम से शरीर धारण कर बिन बदलाव के मनुष्य बन हमारे लिए रूह से और अपनी मृत्यु से हमारी मृत्यु को कुचल कर मारने वाले हमारे मसीह ईश्वर स्वर्गस्थ पिता के इकलौते पुत्र और शब्द राजा हे मेरे प्रभु मैं तुम्हारा गुणगान करता हूँ हम सबों पर करुणा करे। तुम पावन हो Yeah.
പത്രോസ് ശിഷ്യ ഗലാത്യോ കേ നാം ബാരകുമോ പ്രേരിത കേ പ്രഭു കോ സുനി ഉൻകി കരുണ ഹം പർ സദാ ബനേ രഹേ। भाइयों, मैं आप लोगों को साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति किसी मनुष्य का परिमाणिक विषय नामक का तो रद्द कर सकता है और ना उससे कुछ जोड़ सकता है। प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उनके वंशजों को दी गई है। धर्मग्रंथ नहीं कहता उनके वंशजों को मानो भूतों को, बालक उनके वंशजों को मानो एक को ही, और वह वंशज मसीहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो व्यनामक ईश्वर द्वारा परिमाणित किया जा चुका है, उसे चारों ओर से बंद ही सहित और ना तो रद्द कर सकता है और ना उसकी प्रतिज्ञाएं उठा सकती हैं। यदि सहित के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती तो प्रतिज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं, किंतु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहिम को दिया। तब सहित का प्रयोजन क्या है? जिससे वंशज को प्रतिज्ञा दी गई थी उसको आने के समय तक सहित अपराधों के कारण जोड़ दी गई थी। वह स्वर्गदूत द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गई है। वह मध्यस्थ एक की ओर से नहीं अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था, किंतु ईश्वर एक है। बारकमो क्रिस्त के पवित्र सुसमाचार के इन जीवित वचनों की घोषणा हम शांति श्रद्धा एवं सम्मान के साथ सुने। प्रभु हमें इसके योग्य बनाए। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र एवंगेलियों जीवनदायक संदेश जगत में जीवन और रक्षा के घोषक योहन द्वारा। धन्य है जो आए और आने वाले हैं हमारी रक्षा के लिए, उन्हें भेजने वाले को स्तुति हम सबों पर, उनकी करुणा सदा रहे। हमारे प्रभु ईश्वर रक्षक यीशु मसीह जीवन के वचन ईश्वर, जिन्होंने पवित्र कुमारी मरियम से शरीर धारण किया, उनके रक्षाकरण योजना के काल में इस प्रकार हुआ। हम विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है,
उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। आप सबों का मंगल हो। ईश्वर की जननी धन्य कुमारी तो धूप सुगंधि सन Most of them करुणा करें और अपने प्रभु से करुणा एवं कृपा की याचना करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करें और हमारी सहायता करें। स्तुति कृतज्ञता महिमा सम्मान और सतत गौरव सदैव सभी पलों और सभी काल में हमें अर्पित करने के योग्य बनाए। धन्य है वह आनंददायक कुर्बाना और महनीय है वह मधुर फल जो अर्पित किया गया था, जिन्होंने हमारे लिए पाप परिहार अर्जित किया और जो अपने पवित्र करने वाले बलिदान से हमें पवित्र करते हैं। ईश्वर का मेमना जो कुंवारी से जन्मा, क्रूसारोहण द्वारा रक्षा दिलाकर जिसने पशु बलियों से हमें स्वतंत्र किया, वह स्तुति सम्मान और आराधना के योग्य है। इस ईश्वरीय कृतज्ञता के समारोह में और सभी समारोहों में, काल में, पलों में, समय में और हमारे जीवन के सभी दिनों में और सदा सर्वदा। मूर दयालु प्रभु के सम्मुख पुण्यदाता वेदिका के सामने तथा इन स्वर्गीय तथा ईश्वर ऋषि के सम्मुख दुअर्पित किया जाता है। हम प्रभु से कृपा मांगे कि वह हम सब पर दया दृष्टि करे तथा सहानुभूति प्रकट करे। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करे और हमारी सहायता करे। पाप परिहार निर्मल एवं क्षमा करने वाले और हमारी बुराइयों का निर्मार्जन उन्मूलन और विस्मरण करने वाले, हे प्रभु ईश्वर, तुम्हारे प्रेम की करुणा से
मेरे असंख्य और घोर पापों को और तुम में विश्वास करने वाले सब जनों के पापों को मिटा दे। हे कृपालु और भले प्रभु हम पर करुणा करे। हे प्रभु ईश्वर अपनी करुणा से हमारा स्मरण करे और हमारे माता पिताओं भाई बहनों नेताओं गुरुजनों एवं सभी मृतजनों और तुम्हारी पवित्र कलीसिया की संतान सभी विश्वासी मृतजनों की आत्माओं का भी स्मरण करे। उनके प्राणों आत्माओं और शरीरों को विश्राम प्रदान करे और तुम्हारी करुणा और कृपा के उस कण उनकी अस्थियों पर छिड़क दे। हे मसीह हमारे राजा प्रभु हमारे प्रभु मसीह उनके लिए और हमारे लिए तुम ही क्षमा एवं क्षमा प्रदाता हो। हे मेरे प्रभु हमें सुने और हमारी सहायता करने के लिए विराजमान हो। हमारी रक्षा करे और हमारे प्रार्थनाएं और याचनाएं स्वीकार करे। हे ईश्वर अपनी करुणा से समस्त कठिन दंडों को हमसे हटा दे। हे प्रभु तुम्हारी करुणा द्वारा क्रोध के प्रहारों को हमसे दूर करे। तुम्हारे ईश्वरत्व के अनुयोग्य प्रतिजनक और स्वीकार्य क्रिस्तीय पूर्णता हमें अपनी समृद्धि से प्रदान करे। हम एक शुभ और पवित्र अंत के योग्य बन जाए। हम तुम्हें स्तुति और कृतज्ञता अर्पण करेंगे अब सदा और सर्वदा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो पूर्ण हृदय से पुकारने वालों की स्तोत्र याग स्वीकार करते हैं अपने पापी सेवकों के हाथों से यह धूप स्वीकार करे। हमें अपने पवित्र बलिपीठ के निकट ले आए हमारे पाप एवं तुम्हारे जनों के अतिक्रमों के लिए आध्यात्मिक याग और कुर्बाना तुम्हें अर्पण करने की शक्ति हमें प्रदान करे। तुम्हारे लिए स्वीकार याग बनने के योग्य हमें बनाए। तुम्हारे उत्तम आत्मा हम पर इन समर्पित भेंटों पर एवं तुम्हारे सभी विश्वासी जनों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए निवास करें। उनके साथ और हमारे पवित्र आत्मा के साथ तुमको महिमा सम्मान और आधिपत्य उचित है अभी और सदा सर्वदा। आमीन। प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करें और आपकी प्रार्थनाओं से हमारी सहायता करें। ईश्वर से हमें कर्जों की माफी और पापों का मोचन दोनों लोकों में प्राप्त हो अभी और सदा सर्वदा। आमीन। मैं बलहीन और पापी सेवक कहता हूँ पावन है पिता पावन। पुत्र पावन आमीन।
जीवंत पवित्र आत्मा जो अपने इस पापी सेवक के धूप को पवित्र करते हैं और हमारी आत्माओं पर हमारे माता पिता भाई बहन नेता गुरुजन और सभी मृतजनों और पवित्र कलीसिया की संतान सभी विश्वासी मृतजनों की आत्माओं को क्षमा करते हैं और करुणा दिखाते हैं दोनों लोकों में सदा सर्वदा। मूल दिव्य ज्ञान की घोषणा की जाती है हम सब आदर पूर्वक उद्घोषित करें हम विश्वास करते हैं एक सत्य ईश्वर में सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी दृश्य और अदृश्य सगल की सृष्टि करता और एक प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के इकलौते पुत्र अनादि में पिता से जन्मे प्रकाश से प्रकाश सत्येश्वर से सत्येश्वर जन्मे किंतु सृष्टि नहीं पिता के संग एक सर जिनके जरिए सकल सृष्टि हुआ है जो हम मनुष्यों के लिए और हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग से उतरे पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की जननी पवित्र कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने जो हमारे लिए पुंतियुस पिलातुस के काल में क्रूसित हुए पीड़ा सहे मर गए और दफनाए गए तीसरे दिन अपने दिव्यानुसार पुनरुत्थित हुए एवं स्वर्गारोहण कर पिता के दाहिने विराजमान है जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महामहिमा में फिर आएंगे जिनके राज्य का अंत नहीं होगा और एक जीवन पवित्र आत्मा में प्रभु एवं सबके जीवन दाता जो पिता से निर्गत है और पिता एवं पुत्र के साथ आराधित एवं महिमान्वित है जो नबियों और प्रेरितों के जरिए बोले हैं और एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में और हम पाप मोचन के लिए एक बपतिस्मा की घोषणा करते हैं और मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले लोग के नए जीवन की प्रतीक्षा में रहते हैं समय यह नमस्कार का पुण्य समय यही है करुणा का समय उन्नत स्थान में याजन करते हैं या दर्पण आज भक्तों के हे प्रभु अपनी कलीसिया एवं धर्म प्रांत और अपनी भेड़ों को मंगल शांति और शाश्वत प्रेम निरंतर प्रदान करे हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता
अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। हे प्रभु ईश्वर, हमें आजीवन इस शांति के योग्य बनाए। हे प्रभु, हम सबों को आशीष प्रदान करे और शांति प्रिय व्यक्तियों के शुभ अंत के योग्य हमें बनाए। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। हे प्रभु, ये रहस्य जो हम सब इस अनाफरा के जरिए तुम्हें अर्पित करते हैं, हमें पापमय वासनाओं से दूर करें और धार्मिकता के कर्मों का सुपरिचय प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। पिता ईश्वर का प्रेम, इकलौते पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा का निरंतर संसर्ग और आवास, हे मेरे भाई बहनों, आप सबों पर सर्वदा रहे। आपकी आत्मा के साथ भी। इस समय हमारे मन विचार और हृदय ऊंचाइयों पर हो, जहां मसीह पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वे प्रभु ईश्वर के साथ है। हम भय भक्ति पूर्वक प्रभु का धन्यवाद करें। यह उचित और न्यायुक्त है। हे प्रभु, तुम्हारे अदृश्य समूह और असंख्य सेनाओं से आध्यात्मिक रूप में सम्मिलित होकर सिराफों के समान तुम्हारे समस्त विश्वासीगण तीन बार उच्च स्वर में घोषित करते हुए गाते हैं। स्वर्ग जहाँ परिपूर्ण है, ऊँचे नभ में होसाना, दाऊद पुत्र को होसाना, ऊँचे नभ में होसाना, दाऊद पुत्र को होसाना। धन्य वे जो प्रभु नाम पर आए और फिर आएंगे, धन्य वे जो प्रभु नाम पर आए
जब वे जो पाप रहित थे हम पापियों के प्रति स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण करने को तैयार हुए और जग के जीवन और रक्षा के लिए विश्वासघातित हुए। उस रात उन्होंने अपने पवित्र निष्कलंक और निर्मल हाथों में रोटी ली और हे पिता ईश्वर तुम्हें दिखाया और धन्यवाद दिया। बारिक मो आशीष दिया पवित्र किया भंजित किया और अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा लो इसमें से खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए भंजित है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार भोजन के बाद मिश्रित किए गए दाक्रस और जल का कांसा लिया और धन्यवाद दिया। आशीष दिया पवित्र किया अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा लो तुम सब इसमें से पियो यह नूतन व्यवस्थान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए बहाया गया है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है। और इसके साथ उन्होंने यह शासन देते हुए कहा जब भी तुम इनमें से भाग लो मेरे मृत्यु दफन और पुनरुत्थान का मेरे आगमन तक स्मरण करो। हे हमारे प्रभु हम तुम्हारी मृत्यु का स्मरण करते हैं तुम्हारे पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं तुम्हारे द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारी करुणा हम सबों पर हो। हे प्रभु तुम्हारी रक्षा करण योजना के विस्मयकारी चमत्कार और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने वाले तुम्हारे आगमन के भयाजनक चिन्ह हमसे भूले नहीं जाते इसलिए तुम्हारी कलीसिया और विश्वासी गण तुमसे और तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे साथ पिता से याचना करते हुए कहते हैं हे ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता हम पर करुणा करें। हे प्रभु इसके साथ तुम्हारे बलहीन और पापी सेवक तुम्हें धन्यवाद देते हुए सबों के प्रति तुम्हारी दया को हम सबों के लिए स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं हम तुम्हारी आराधना करते हैं और प्रभु ईश्वर हम तुमसे विनती करते हैं भले प्रभु हम पर दया कर करुणा करें।
बाहर की मोल प्रिय भाइयों, यह क्षण अत्यंत दिव्य और बत्ती स्वादक है, क्योंकि जीवन दादा पवित्र आत्मा स्वर्ग की ऊंचाई से उतर यश देश परम प्रसाद पर टहरने तथा उपस्थित होने की कृपा कर रहे हैं और इसको पवित्र कर रहे हैं। विनय और श्रद्धा के साथ आप खड़े हो जाइए और विनती कीजिए। शांति और मंगल हमारे साथ है प्रभु, मुझे उत्तर दे प्रभु, मुझे उत्तर दे प्रभु, मुझे उत्तर दे कर दया कर, हम पर करुणा करे। और पवित्र आत्मा इस रोटी को हमारे मसीह ईश्वर का शरीर बनाकर परिपूर्ण कर दे। और पवित्र आत्मा इस कासा को हमारे मसीह ईश्वर का रक्त बनाकर परिपूर्ण कर दे। हे प्रभु, ये इनमें भाग लेने वाले हमें तुम्हारे साथ आनंदित कर दें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। जगत के चारों भागों में फैली परमेश्वर की कलीसिया के चरवाहे सभी अधीक्षियों के लिए, विशेष हमारे वर्तमान रक्षक सन फ्रांसिस पापा और हमारे प्रधान धर्माध्यक्ष मोरन मोर बेसिलियोस क्लीमेंस कादरिकोस और हमारे धर्माध्यक्ष मोर बेसिलियोस बर्नवास विदाव और समस्त धर्माध्यक्षों पुरोहितों एवं सन्यासियों के लिए तथा सारी कलीसिया के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन पाषंडियों के मुंह को बंद करें और खामोश करें जिससे वे हमारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। बारिक मोर, हे प्रभु पुण्य, हम सब अपने विश्वासियों तथा सच्चे ईसाइयों की बंधुओं की याद करते हैं, विशेष उनकी जो अभी पीड़ा और कष्ट सहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जरूरतमंदों की व्यथा, गरीबों की कराह, यतितों की यातना और मर्दितों की दर्द से उदासीन रहकर निशब्द ना हो, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और हमारे तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। और फिर हम सब अपने राष्ट्र के शासकों के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वे हमें सच्चा मार्ग दिखाए। कुरिए ला
सो। प्रभु तुम्हारे आध्यात्मिक सियोन की परिक्रमा करके उनके बुर्जों की गणना करने वालों को भयभीत कर छिन्न भिन्न कर दे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। मोर फिर हम पवित्र महिमा मही अत्यंत अत्यंत कुमारी मरियम एवं परमेश्वर की माता मरियम का स्मरण करते हैं, और उनके साथ साथ हमारे पिता मार्थोमस नबियों प्रेरितों प्रवक्ताओं सुसमाचारों शहीदों और संतों की याद करते हैं, ताकि उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए रक्षा दीवार का काम करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। Kuriye laiso। हे प्रभु कृपा पूर्वक हमें और हमारे मृत विश्वासियों को तुम्हारे संतों के लिए रखी गई महनीय कृपा के योग्य बना दे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। आमीन। बारिक मोर फिर हम सभी संतों का स्मरण करते हैं जिन्होंने निष्कलंक श्लैहिक तथा एक विश्वास सुरक्षित रखकर हम सबको प्रदान किया है, और उन सभी संतों तथा आचार्यों की याद करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए रक्षक दीवार का काम करे, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु संत पिताओं के सामिप्य से हमें दूर ना होने दे, जिस कारण हम कृपा की संतान और तुम्हारे इकलौते पुत्र के भाई बहन कहने के योग्य बने हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। बारक मोरे परमेश्वर पूर्णम सभी दिव्यंगत आत्माओं का स्मरण करते हैं जो सच्चे विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण होकर स्वर्ग सिधारे हैं। हम यह याचना एवं अर्पित करें कि हमारे प्रभु और परमेश्वर उनके आत्माओं को अपना लें और उनके पापों को क्षमा कर दें, और वे हम सबको उनके साथ स्वर्ग राज में ले चलें। अब हम तीन बार ऊंचे स्वर में कहें कुरिए लाइसोन। कुरिए लाइसोन, कुरिए लाइसोन, कुरिए लाइसोन। हे प्रभु तुम्हारे कारण जब वे मृत्यु से रक्षा पाए, पाताल से मुक्त हो और धूल से उठा लिए जाए, तब तुम्हारे इकलौते पुत्र की कृपा उनमें प्रबल हो, उनके द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा और पाप मोचन स्वीकार करने के लिए हमें और वे उन्हें उन्हीं में शरण लेते हैं। ईश्वर मोचन और विश्राम प्रदान करे, इच्छा इच्छा से जाने अजाने में हमारे और उनके द्वारा तुम्हारे सामने की हुई गलतियों को माफ करे। हे प्रभु सार्वजनिक पुनरुत्थान के नवीकरण के साथ तुम्हारे आध्यात्मिक राज के आनंद के लिए
अपनी कृपा से हमें और उन्हें योग्य बनाए, ताकि सर्वादरणीय तुम्हारा धन्य नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के नाम के साथ जैसे सब में है वैसे ही महिमान्वित प्रशंसित हो। जैसे था वैसे है पीढ़ी दर पीढ़ी युगानुयुग सदा सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। महान ईश्वर हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा हे मेरे भाइयों और बहनों आप सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। प्रार्थना करे हे प्रभु हमारे मुंह और होठ खोल दे, हमारी आत्मा और शरीर को पवित्र करे, हमारे मन और बुद्धि को निर्मल कर दे, ताकि हम करुणामय पिता ईश्वर तुमसे विनती पूर्वक घोषित कर प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तुम्हारा नाम पवित्र किया जाए, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारी जरूरत की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्जों पापों को हमें क्षमा करे जैसे हम भी अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं, हमें प्रलोभन में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से हमें बचाए, क्योंकि राज्य शक्ति और महिमा तुम्हारी है सदा सर्वदा। आमीन।
प्रभु हमारे लिए हानि और क्षतिकारक सबों को तुरंत और शीघ्र बदल दे, जो हमारे लिए शुभ और लाभदायक हो जाए, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। बारकी मोर अर्पित किए गए पवित्र रहस्यों को ग्रहण करने से पहले हम अपने दयालु परमेश्वर के सामने अपना सुनवाएं। हमारे प्रभु हमारे ईश्वर तुम्हारे सम हो। हे प्रभु तुम्हारी समस्त कृपा और समस्त आशीष एवं समस्त वरदान तुम्हारी कलीसिया धर्म प्रांत और अपने भेड़ों पर आकर आवास करे और भर कर बहे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा। आप सबों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। एक सत आराध्य नित्य स्वयंभू अश्रेष्ठ महिमामय पवित्र तृत्व की कृपा और करुणा मेरे भाइयों और बहनों आप सबों पर सदा बनी रहे। बारिक मोर हम श्रद्धा तथा आदर के साथ दर्शन गए, हे प्रभु दया कर हम पर करुणा करे। पवित्र से पवित्र और शुद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं, एक पवित्र पिता एक पवित्र पुत्र और एक पवित्र आत्मा के सिवाय अन्य कोई पवित्र नहीं है। आमीन। स्तुति हो पिता और पुत्र और जीवन पवित्र आत्मा की जो है सदा सर्वदा। आमीन। एक पवित्र पिता जिन्होंने अपनी कृपा से जगत को सृष्टि किया, वह हमारे साथ है, हमारे साथ है। आमीन। एक पवित्र पुत्र जिन्होंने अपने अमूल्य पीड़ा सहन द्वारा उसकी रक्षा की, वह हमारे साथ है, हमारे साथ है। आमीन। एक जीवंत पवित्र आत्मा जो समस्त जो है और जो होगा उन्हें संपन्न और परिपूर्ण करते हैं, वह हमारे साथ है, हमारे साथ है। आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो अनादि से सदा सर्वदा। सुमिरन करे पूर्वजो जिन्होंने सिखाया इस
इस जग में ईश्वर की संतान बनो, यीशु मसीहा उनको तुम बसाना, धर्मियों के संग अपने स्वर्ग धाम में, मुरियो राहे आलेनु वादारे। हम अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र कुमारी मरियम के प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें। राजकुमारी महिमा में हालेलुया ओ हालेलुया, दाय तुम्हारे महारानी, मोहित हो तुम पे राजन ग्रह को भूलो तुम, बारक मोर। शुभ हो लाभो लब्रो वल्लुरु हो कादिशो, मिलोलं वादा मिलोलं उल्मीनामी, भक्तों का तुम हो अभिमान, तुम्हें जन्मा इकलौता, हम सब पे करुणा वो करे, विनती करना हमारे लिए, सौवन काल स्कुरिये लाए सो, आशीष बन जाए माँ मरियम का सुमिरन, उनकी विनती हमारे लिए, आमा का किला बारक मोर। शुभ हो लाभो लब्रो वल रूहो कादिशो, ईशा मिग कन्या माँ मरियम के लिए, उठती है हवाओं में धूप सुवास, मुरियो राहे आलेनु वादारे। विनती अपनी हमारे लिए, रोक न देना पावन माँ, इकलौते से विनती करे, हम पर करुणा करे सदा। सभी स्वर्गदूत और संतों की मध्यस्थता हम इस प्रार्थना द्वारा करें, खास तौर पर हमारे भारत के प्रेरित श्लीहा संत थॉमस की प्रत्येक मध्यस्थता हम इस प्रार्थना में शामिल करें। धर्मी फल ते खजूर समान हालेलुया, लिबनोन के देवदार समान, दीर्घायु में भी फलदार हालेलुया, बढ़ती रहे उनकी समृद्धि सदा बारक मोर। शुभ हो लाभो लब्रो वल रूहो कादिशो, मिलोलं वादा मिलोलं उल्मीनामी, शुभ सुमिरन होवे मार्तो मां, स्वर्ग धरा पर एक समान, विनती तुम्हारी हो उनके लिए, तुम्हारे स्मृति का आदर जो करे, सौवन काल स्कुरिये लाई सो, निर्मल निबिलो गो राजकुमार के श्लीहा, पाप में हम ना गिरे,
प्रार्थना ऐसी करी मार्ग मोर शुभोला बोल ब्रोवल रूहो का दिशो धर्म के वीर शहीदों ईश्वर के पावन सेवकों आपकी विनतिया बन जाए हमारा ढाल स्तौरियो राहे मलेनो आधारा ओ पावन संतो तुम लोगों विनती करे प्रभु वर से अपने क्रोध के दंडों को और सजा को भी दे मिटा हमारी परिवार से और जिंदगी से बिछड़े हुए सभी विश्वासी भक्तों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें नित्य जीवन की आनंद और कृपा उनको सदा मिले हम इस अवसर पर ये खास तौर पर प्रार्थना करें पिता का प्रेम बच्चों पर जैसे हालेलुया वैसे भक्तों पर ईश कृपा पांत समान इंसान के दिन हालेलुया पुष्पित खेत में वो फूल समा होला बोल ब्रोवल रूहो का दिशो मिलो लंबा दामिन आपकी कृपा शरण कारण आपके मृत सेवक गण जीवन सर जगाए उन्हें कब्रों से परुदीसा में सो जीवन दाता राजन ऊंचे नव से आके उतर दे जीवन वो सभी मृतकों को कब्रों से अपनी अपनी जीवन के संग वे उठे जीवन दाता आपकी करते स्तुति बारक शुभ होला बोल बरोवल रूह का दिशो मेरी शरीर का और मेरे रंग का पार जिसने है किया पाता तो जा जाएगा जी पाए वो सदा इसलिए क्रूस पे लटके चोर को जैसे प्रभु वरदान तृत्व की स्तुति कर दे जो मृतकों को भी मिले हम ऊंचे स्वर से बोले आराध्य और महिमामय है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अनादि से पीढ़ी दर पीढ़ी सदा सर्वदा उनकी स्तुति हालेलुया हमारी रक्षा के लिए आए और हमारे पुनरुत्थान और हमारे वंश के अनंत नवीकरण के लिए आने वाले ईश्वर के पुत्र तुम्हारे पाप परिहार दायक बलिपीठ से तुम्हारे सेवकों पर पाप परिहार उतर आए
ईश्वर अपने अदृश्य दाहिने हाथ को बढ़ाए और तुम्हारे आराधकों के समूह को अनुग्रहित करे जो अपने कर्जों की माफी और पापों के मोचन के लिए एवं तुम्हारे सामने मुख प्रसन्नता के लिए तुम्हारा पवित्र शरीर और अमूल्य रक्त स्वीकार करते हैं। महान ईश्वर और हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा उन पर हो जो इन पवित्र रस्यों का वहन करते हैं, देते हैं और ग्रहण करते हैं, एवं उन पर भी हो जिन्होंने इनके लिए परिश्रम किया था और जो इनमें भागीदार हुए और भागीदार होने वाले हैं। ईश्वर की करुणा हम पर और उन पर भी दोनों लोक में हो सदा सर्वदा। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त जलता हुआ राख सत्य विश्वासियों को दिया जाता है। शहीदों को
सेवक को शांति दे हाले तुम्हारी महिमा सदैव हमारे प्रभु और ईश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा पवित्र शरीर जिसे हमने खाया है और तुम्हारा पवित्र रक्त जिसे हमने पिया है हमारे लिए न्याय विचार और दंड ना बन जाए परंतु हम सबों के लिए रक्षा और जीवन बने हम सबों पर करुणा करे सस्य आहार के आदि हो चुके हमारे मुंह तुम्हारे इकलौते पुत्र के शरीर और रक्त के योग्य बनाने वाली तुम्हारी उस कृपा के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा और उनके साथ एवं तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें महिमा सम्मान और आधिपत्य उचित है अभी और सदा सर्वदा शांति आप सबों के साथ हो आपकी आत्मा के साथ भी बारिक मोर हम दयालु प्रभु के सामने सिर नवाए हमारे प्रभु हमारे ईश्वर तुम्हारे समान स्वर्गीय रोटी है मसीह तुम जो हमारा नश्वर आहार बनने के लिए उतर आए हमें तुम्हारे द्वितीय आगमन में ना बुझने वाली आग का आहार ना बनाए ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा और सर्वदा आमीन बारिक मोर प्रभु वर दे आशीष हमको समरक्षण दे सृजनहार दिखलाए जीवन का मार हे प्रभु वर ओ पालनहार अनुकंपा से पूर्ण पिता करुणा कृपा के हो सागर स्वीकारे ये कुर्बाना अर्पण जो हमने है किया इन दानों के अर्पण से हे प्रभु तेरी महिमा हो पाए शांति मृत जन भी स्वर्ग निवास में हो उल्लास शांति से जाए हमारे भाई बहनों और प्रियजनों आप सबों को पवित्र और महिमामय तृत्व की कृपा और करुणा को सौंपते हैं उस पाथे और आशीर्वाद के साथ जो आप लोगों ने
प्रभु के पाप परिहार बलिपीठ से ग्रहण किया है। आमीन। समीपस्थ और दूरस्थ, जीवंत और मृत, प्रभु के विजय क्रूस द्वारा मुक्त और पवित्र बपतिस्मा के चिन्ह से मुद्रित किए गए आप सबों को वे कर्जों की माफ़ी, गलतियों की क्षमा और आपके मृतकों की आत्माओं को विश्राम प्रदान करें। आमीन। मैं पापी और बलहीन सेवक कहता हूँ, आप सबों की प्रार्थनाओं द्वारा मैं दया और सहायता प्राप्त कर सकूँ। प्रसन्न और आनंदित होते हुए आप शांति से जाएं, मेरे लिए सदैव प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपका कुर्बाना ग्रहण करें और आपकी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता करें। करुणा सागर भगवन दोषों से मुक्ति दे दो, पापों से मोचन देकर निर्मल कर दो तुम ये तन। यीशु मसीहा राजा तुम, रक्षक मेरे तुम ही प्रभु, दिव्य रहस्य के पूजक हम। से मुक्ति